हेलो गाइस, वेलकम टू थकतेज 360। जब शाहरुख खान ने पठान से कमबैक किया था तब एक के बाद एक रिकॉर्ड बनता गया। तब ऐसा लग रहा था ये रिकॉर्ड्स टूटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये बात तभी सामने आई थी कि भाई पठान तो बस एक ट्रेलर है, असली पिक्चर जवान दिखाएगी। और वैसा ही हुआ। जवान का जो क्रेज है ना भाई, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जवान का हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा था और ट्रेलर ने उस हाइप को और ज्यादा बूस्ट किया। बट जब मूवी रिलीज हुई देन मूवी को लेकर क्रिटिक्स, ऑडियंस सभी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। हाँ, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के। अब उसके बाद क्या, जवान और ज्यादा अनस्टॉपेबल हो गई और हर दिन ऐसे कलेक्शन हो रहे हैं कि भाई यकीन नहीं होता ये वही बंदा है जिसका टाइम खत्म बोल दिया गया था। और SRK का कंपटीशन खुद SRK है, ये बात उन्होंने क्लियरली बता दिया है। हाँ, कभी कभी सेटबैक्स होते हैं लाइफ में, बट जब लाइफ में सेटबैक्स का सामना हो देन कमबैक भी शाहरुख खान जैसे करो। अब जो लोग मूवी को ट्रोल कर रहे थे उनका हाल काफी बुरा है। पहले पठान और अब जवान, दोनों मूवीज के कलेक्शन इनको हजम ही नहीं हो रहे। हमने भाई इतना क्रिटिसाइज किया मूवी को फिर भी ऐसे नंबर्स, जरूर फिर से फेक कलेक्शन नंबर्स ही दिखा रहे होंगे, कुछ तो भाई गड़बड़ है। जब वही क्रिटिक्स, मीडिया रिपोर्ट्स गदर 2 के कलेक्शंस को कवर कर रहे थे तब वो रिपोर्ट्स एकदम 100% सही था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हमने कभी डाउट नहीं किया गदर 2 के कलेक्शन के ऊपर। अच्छा है बॉलीवुड मूवीज फिर से टक्कर दे रही है एक दूसरे को। खैर, इन जैसों को ऑलरेडी काफी रोस्ट कर चुका हूँ, तो अब मुद्दे की बात करते हैं। जवान ने अपने पहले दिन में ऑल इंडिया टोटल 75 करोड़ का कलेक्शन किया, जहाँ 65.5 करोड़ हिंदी वर्जन से था। तो खुद अपने ही मूवी पठान का रिकॉर्ड ब्रेक करके जवान नंबर 1 हिंदी मूवी बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड मूवी का कलेक्शन था 129.6 करोड़ ऑन डे 1। उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे जो नॉर्मल वर्किंग डे था, मूवी का कलेक्शन फिर भी स्टेबल रहा ड्यू टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। जवान ने अपने सेकंड डे पे टोटल 53.23 करोड़ का कलेक्शन किया, जहां 46.23 करोड़ हिंदी वर्जन से था। और दो दिन के बाद मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 240.47 करोड़। उसके बाद आती है एक्चुअल सुनामी, सैटरडे एंड संडे। भाई साहब, क्या भौकाल मचा है बॉक्स ऑफिस पे। सैटरडे को मूवी ने कलेक्ट किया टोटल 77.83 करोड़, जहां 68.72 करोड़ हिंदी बेल से है। एंड वर्ल्ड वाइड मूवी का कलेक्शन तीन दिन में है 384.69 करोड़। एंड इसी के साथ जवान ने इंडिया में तीन दिन में 200 करोड़ का मार्क भी क्रॉस कर लिया, जहां पठान ने 4 दिन लगाया था और गदर 2 ने 5 दिन। ओनली स्काई इज द लिमिट फॉर जवान। उसके बाद आते हैं संडे के कलेक्शन पे। संडे के दिन जवान ने वो कर दिया जो कि अब एक बेंचमार्क बन चुकी है बाकी आने वाली मूवीज के लिए। जवान ने अपने फर्स्ट संडे को अराउंड 82 करोड़ का कलेक्शन किया इंडिया में, जहां अराउंड 72 करोड़ हिंदी बेल से है। 80 करोड़ प्लस इन ए सिंगल डे खुद अपने में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक फाइनल रिपोर्ट तो नहीं आई है, बट ये क्लियरली पता चल रहा है कि जवान बनने वाली है ग्लोबली 500 करोड़ क्रॉस करने वाली फास्टेस्ट मूवी। एक बढ़िया 4 दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड कलेक्शन के बाद अब मूवी अपने असली टेस्ट का सामना करेगी, व्हिच इज अ वर्किंग मंडे। लेकिन जब बात शाहरुख खान की हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। एज पर रिपोर्ट ऑलरेडी 7.10 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुकी है मंडे के लिए, एंड ऊपर से स्पॉट बुकिंग अलग से होगा। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो मूवी अपने फर्स्ट मंडे को अराउंड 30 करोड़ का कलेक्शन आराम से टच कर लेगी। 30 करोड़ ऑन ए मंडे, इतना तो भाई ओपनिंग नहीं लगती मूवीज के। तो बादशाह ऑफ बॉलीवुड इज बैक एंड हाउ, एक ही साल में 2 500 करोड़ प्लस मूवी एंड वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ भी पार हो ही जाएगा। अब डंकी से वो किस रिकॉर्ड को चकना छूट करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जलने वाले तो जलते रहेंगे, फेक रिव्यूज, फेक कलेक्शन का रोना चलता रहेगा। उधर जवान और क्या क्या कारनामे करते हैं वो बस देखते रहो। क्या आपने अभी तक जवान देखी? अगर यस तो कैसी लगी मूवी? क्या ये कलेक्शन जस्टिफाइड है आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।